आज बात करेंगे क्रॉप न्यूट्रिशन की। क्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है? क्रॉप न्यूट्रिशन मतलब वह पोषक तत्व तो जो प्लांट्स को देते हैं हम लोग, वो क्या होता है और कौन कौन सा होता है उसके बारे में जानेंगे। क्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है? क्रॉप न्यूट्रिशन पौधों के वृद्धि और विकास के लिए जो जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं क्रॉप न्यूट्रिशन या फसल पोषक। अब बात करते हैं, 109 एलिमेंट्स पाए जाते हैं क्रॉप न्यूट्रिशन जो है वो 109 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ये स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट न्यूट्रिशन, यहाँ पे लिख दिया गया है। अब बात करते हैं अर्नन और साउट। अर्नन और साउट दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिसने क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी दिया था, सिद्धांत दिया था, कब? 1939 में। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी होता क्या है? तो वैसे तत्व जिनकी आवश्यकता प्लांट्स को बाहर से होती है, जो प्लांट्स के पौधों को अंदर प्रोवाइड नहीं हो पाती है, अंदर सिंथेसाइज नहीं हो पाती है, वैसे तत्वों को इसेंशियल न्यूट्रिएंट या इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। और ये 17 होते हैं, ये जो तत्व हैं 17 एलिमेंट्स, ये प्लांट्स को बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से एब्जॉर्ब करना पड़ता है, या प्लांट्स के शरीर में नहीं बनती है, इसीलिए इसको कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स। अब बात करते हैं क्रॉप न्यूट्रिशन की। क्रॉप न्यूट्रिशन के कितने भाग हैं? क्रॉप न्यूट्रिशन के 3 भाग हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट 3 हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 6 हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 8 हैं। अब ये तीनों में बेसिक न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट जो है ये 96% टोटल ड्राई मैटर, मतलब अगर प्लांट 1 kg है तो उसका 96% जो ड्राई मैटर है, उसका 96% जो भाग है सूखा भाग, उसका बेसिक न्यूट्रिएंट ही निर्माण करता है। अर्थात प्लांट्स का 96% भाग का ड्राई मैटर के भाग का, अर्थात जो सूखा तत्व है प्लांट्स में, उसके सूखे भाग का निर्माण 96% बेसिक न्यूट्रिएंट करता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट 3% करता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ये 1% करता है। अब बात करते हैं कि बेसिक न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो बेसिक न्यूट्रिएंट जो है ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। जैसे किसी भी प्लांट में ये 3 पोषक तत्व तो जो है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये तीनों पोषक तत्व तो मिल करके प्लांट के 96% ड्राई मतलब सूखा भाग का निर्माण करते हैं, और ये तीनों बेसिक न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ये तीनों मिलके 96% भाग निर्माण करते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, सेकेंड नंबर माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं, NPK, ये मेन है प्राइमरी। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, ये दोनों मिल करके प्लांट के 3% ड्राई मैटर का, ड्राई वेट का निर्माण करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, ये 8 हैं जो 1% प्लांट के ड्राई भाग का निर्माण करते हैं, जिनमें से मैग्नीज, मोलिब्लेडेनम, आयरन, जिंक और कॉपर। मोलिब्लेडेनम, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, बोरोन, ये जो है 8 एलिमेंट्स मिलकर के माइक्रो न्यूट्रिएंट का निर्माण करते हैं, अर्थात 1% प्लांट के ड्राई मैटर का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि पूरे जो है, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये 17 हुए कि नहीं। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 6 3 9, 8 17।
अर्थात पूरा मिला के 17 इसेंशियल एलिमेंट ये हैं। ये ही जो 17 एलिमेंट्स हैं, ये 17 एलिमेंट्स प्लांट्स के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, और इसे बाहर से प्लांट्स को लेना पड़ता है, इसीलिए इसे इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। अब फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर जो है ये तीन होते हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड मिक्स फर्टिलाइजर। ये जो तीनों हैं फर्टिलाइजर, ये अलग अलग है। कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का मतलब क्या हुआ कि दो फर्टिलाइजर यौगिक जो होते हैं, दो फर्टिलाइजर किसी अनुपात में मिला करके एक तीसरा नया फर्टिलाइजर का निर्माण किया जाता है, जिससे कि दो प्रकार के तत्व प्लांट्स को मिलते हैं। और स्ट्रेट फर्टिलाइजर जो है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर जो है ये सिर्फ एक तत्व प्रदान करता है, ये सिर्फ एक तत्व से मिलकर बना होता है, ये दो तत्वों से मिलकर बना होता है, दो तत्वों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये दो तत्वों का क्या करता है, मतलब प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। और ये मिक्स्ड जो है, ये दो या दो से अधिक जो स्ट्रेट न्यूट्रिएंट हैं इनको लेकर के और मिला करके, किसी भी अनुपात में मिला करके मिक्स्ड फर्टिलाइजर बनाया जाता है। अब स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं? तो प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट, प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट जो है PPN सप्लाई वन ओनली वन न्यूट्रिएंट। जैसे एग्जांपल में यूरिया है जो नाइट्रोजन का सप्लाई करता है, और पोटेशियम जो है पोटेशियम सल्फाई करता सप्लाई करता है, और क्लोराइड जो है क्लोरीन का सप्लाई करता है। ये जो तीनों हैं बेसिक न्यूट्रिएंट या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका सप्लाई करता है, उसी को स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहते हैं। और ये फर्टिलाइजर जो है सिंथेसाइज्ड होते हैं, फर्टिलाइजर कोई भी हो वो सिंथेसाइज्ड होता है किसी भी कंपनी या किसी फैक्ट्री में। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंटेन टू या थ्री प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोफॉस्फोरस, अमोनियम फॉस्फोरस, फॉस्फेट, ये जो है दो या तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है उनको मिला करके बनाया जाता है। जैसे नाइट्रोफॉस्फोरस हो गया, तो ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दो भी प्लांट्स न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराएगा, ये दो प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। और मिक्स्ड क्या है? तो फिजिकल मिक्सचर ऑफ स्ट्रेट फर्टिलाइजर, जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर था उसका जो फिजिकल या भौतिक रूप से उसको मिला करके मिक्स करके और बना देना, जैसे यूरिया और नाइट्रोफॉस्फेट को मिला करके अगर छीट देते हैं तो वो मिक्स्ड फर्टिलाइजर हो गया। ये तीन फर्टिलाइजर थे। अब कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे मैन्योर खाद क्या होता है, फार्मयार्ड क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्योर जो है, मैन्योर को खाद को कहते हैं, तो फर्टिलाइजर भी तो खाद हुआ नहीं, मैन्योर जो है वैसे खाद को कहते हैं जो सिर्फ गोबर या ऑर्गेनिक मैटर से बना हो। ऑर्गेनिक मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल, ह्यूमन एंड प्लांट रेसिड्यूज, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर से निकलता है, जो मानव या प्लांट के टूटे फूटे सड़े गले भागों से बनता है उसको कहते हैं मैन्योर। जैसे गोबर का खाद हो गया, इसको कहेंगे मैन्योर। अब आते हैं फार्मयार्ड। फार्मयार्ड क्या हुआ? तो फार्मयार्ड जो है सिर्फ ओनली वन गोबर, मतलब इसमें कोई ऑर्गेनिक अदर मटेरियल नहीं, सिर्फ गोबर का हो, मतलब फार्म से तो गोबर निकलता है ना, इसीलिए सिर्फ गोबर का अगर खाद हो उसको फार्मयार्ड कहते हैं या गोबर खाद। ये तीन चार वीक पहले 20 टन प्रति हेक्टेयर अप्लाई किया जाता है, फोडर, चारा, वेजिटेबल्स, कुछ भी। वर्मी कंपोस्ट जो है ये केंचुआ खाद होता है, केंचुआ से जो खाद निकलता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये एक्सरेट मतलब मल, एक्सरेट ऑफ अर्थवर्म्स, अर्थात जो अर्थवर्म होता है, केंचुआ होता है, उसका मल होता है। इसमें हाई NPK यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस पाया जाता है।
आप कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर ऑयल केक है, अर्थात ऑयल केक किसको कहते हैं? खली को, जो तेल निकल जाता है उसके बाद जो उसका बचा हुआ भाग होता है उसको खली या ऑयल केक कहते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एनी नेचुरल सिंथेसिस, नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल जो यूज किया जाता है, ऊपर ही बताया, जो कंपनी या फिर किसी फैक्ट्री में बनता है उसको कहते हैं फर्टिलाइजर। ये पूरे क्रॉप न्यूट्रिशन चैप्टर खत्म हुआ। इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ।